अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सहावत सैयद। देख रहे हैं आप सैयद पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल। अल्लाह से दुआ है कि तमाम देखने और सुनने वाले अल्लाह की हिफ्ज़ो अमान में हों। आज़रबाईजान पाकिस्तानियों का दूसरा घर, मैं कहता होता हूँ पाकिस्तानियों का दूसरा घर टर्की है, और आज़रबाईजान को आप पाकिस्तानियों का तीसरा घर या दूसरा घर भी कह सकते हैं। जिसको मर्जी दूसरा घर कह लें, जिसको मर्जी तीसरा घर कह लें। तो पाकिस्तान और आज़रबाईजान दो जिस्म और एक जान हैं। अभी हाल ही में आर्मेनिया की जंग में ये बात साबित भी हो चुकी है। इस सिलसिला में भी मैंने दो वीडियोस आर्मेनिया और आज़रबाईजान की जंग की मुकम्मल डिटेल के साथ हमने चैनल पर डाल रखी हैं, आप वो जाकर देख सकते हैं। तो आज़रबाईजानी, मैं ख़ुद आज़रबाईजान बाकू का विज़िट कर चुका हूँ, वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मोहब्बत की निगाह से देखते हैं, पाकिस्तानियों से प्यार और मोहब्बत करते हैं। लेकिन अब जो ये जंग हुई है और माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उनको फतह दी है, अब आप देखेंगे अगर आप आज़रबाईजान जाएँ तो वो आपको आपका क्या क्या चूमते हैं, हाथ चूमते हैं, माथा चूमते हैं। इतनी मोहब्बत शायद ही पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क में आपको मिले, टर्की या आज़रबाईजान के सवाब। तो ये मुख्तसर सी वीडियो मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ, क्योंकि आज़रबाईजान की मैंने तीन वीडियोस पहले से बना चुकी हैं जो कि आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगी। जंग के अलावा तो ये है कि एक पाकिस्तानी या इंडियन या कोई भी बंदा उधर विज़िट पर जाता है, पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है, ऑनलाइन वीज़ा भी है कि आप जस्ट ऑनलाइन वीज़ा लें, घंटों में मिल जाता है, टिकट कटवाएँ, आज़रबाईजान चले जाएँ। आज़रबाईजान जाकर उधर जॉब के चांसेस तो कम हैं सही, लेकिन ना होने के बराबर हैं, थोड़े हैं, सैलरीज कम है, आपका अपना गुजारा हो सकता है, अपना सर्वाइवल हो सकता है। अगर आपने आगे की कोई उधर बिजनेस की प्लानिंग कर रखी है तो फिर ये है कि जॉब से कम आप उधर रहकर अपनी अगली प्लानिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं, एजुकेट हो सकते हैं, मार्केट को चेक कर सकते हैं, मज़ीद चीज़ों को समझ सकते हैं। तो उधर जाकर आपकी बनेगी TRC टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड। तो पहले वो 3 महीने का होता है, तो जिस पर्पज़ के लिए आप लेते हैं, अगर 3 महीने में वो पर्पज़ आप पूरा करते हैं तो आपकी TRC एक्सटेंड हो जाती है। तो उधर आप ना ग्रॉसरी का काम भी कर सकते हैं, होटल और टूरिज़्म का काम भी कर सकते हैं, हॉस्टल का काम भी कर सकते हैं, पिज़्ज़ा शवारमा शॉप्स का काम भी कर सकते हैं, और इसके अलावा भी छोटे मोटे काम आप कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में भी जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये है कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात आपको कामयाबी दे दे, आपका काम चल पड़े, जो कि स्कोप मौजूद है, तेज़ी से उभरती हुई मईशत है और तेल में खुद कफील है, और अभी भी जो आज़रबाईजानी मनात है वो एक मनात उनका पाकिस्तानी तकरीबन 95 रुपीज़ के बराबर बनता है, इतनी मज़बूत करेंसी है। तो जब आपकी TRC वगैरह बन जाएगी, आपका अकाउंट खुल जाएगा और आपका बिज़नेस रनिंग में कंटिन्यू में आ जाएगा, तो फिर उधर से आप तकरीबन 6 महीने के स्टे के बाद पोलैंड का, यूक्रेन का, किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और हमारा जो एजेंट माफिया उधर बैठा हुआ है, बिलखसूस पाकिस्तानी और इंडियन भी, वो तो आपको उधर से कनाडा भी भिजवा रहा है, पोलैंड भी और यूक्रेन भी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में भिजवा रहा है, कागज़ों में। हाँ, चांस लग भी जाता है, अच्छे लोग भी बैठे हुए हैं, लेकिन प्लीज़ बी केयरफुल, इन जैसे लोगों के हत्थे नहीं चढ़ना, खुद मामला को समझना है। तो आप अब आज़रबाईजान लाजमी चले जाएं, आज़रबाईजान जाएं उन लोगों की मोहब्बत चेक करने और जंग के बाद का माहौल देखने और अपनी बिज़नेस मार्केट को भी देखने, और इस सिलसिले में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। सैयद पाकिस्तानी चैनल के प्लेटफॉर्म से आपको किसी किस्म की वीज़ा के रिलेटेड या उधर TRC के रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आपकी हेल्प करने को हम तैयार हैं। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।